हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो मुझे बताना कमेंट करके। और मैं यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, आज मैं काफ़ी दिनों में अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो काफ़ी दिन से मैंने बनाया भी नहीं है। और ये कटिंग मैंने अपनी खुद से की है, आपको दूसरे उसमें दिखाई दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। आज ही वो वीडियो गया जाएगा तो उस वीडियो में आप देख लेना मैंने आपसे अपनी कटिंग किस तरह से की है। खुद से ही की है मैंने कटिंग, ये तो आप लोग देख लेना किस तरह से मैंने ये कटिंग करी है। और आप सबको आज निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किस किस ने किया है निर्जला एकादशी मुझे बताना, मैंने भी किया है आज, तो आप लोगों ने किसने किया है तो मुझे बताना है ना। तो बस मैं यहाँ पे सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे ब्लॉग दिए, तो चलिए काम करते हैं ब्लॉग। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 बजे का ही टाइम हुआ है और मेरा सारा झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो गया है काम। बस थोड़ा मंदिर का बच्चा है, वो मंदिर का काम कर रही हूँ मैं, तो मंदिर जा रही थी तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मंदिर तो आप लोगों को मुश्किल लेके जाऊँगी, तो बस मैं अकेली जा रही हूँ ना, फिर कोई फ़ोन संभालने वाला नहीं होता तो इसलिए नहीं लेके जा रही, नहीं तो मैं आपको साथ में लेके चलती। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पता है यहाँ पे मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, क्या क्या सामान ले जाना है मुझे मंदिर का, आज एकादशी है ना, जो जो मुझे सामान ले जाना है मैं पन्नी में रख के ले जाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पे ना मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ, मंदिर जाके आ रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी, मंदिर जाके आ जाऊँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना मंदिर तो आपको लेके नहीं जाऊंगी, फिर कभी लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही जा रही हूँ मंदिर, तो क्या फोन वगैरह संभालने में दिक्कत आती है अकेले में, तो चलिए मैं वह के आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सब्जी बनाने के लिए आ गई, पूजा वगैरह करके सारा काम अपना करके, तो यहाँ मैं सब्जी बनाने के लिए आई हूँ। और तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, इसकी भिंडी और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है यहाँ पे, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को बर्थ है ना, ओ सॉरी बच्चों को बर्थ करें, बच्चे हैं ना, बच्चे खाना खाएंगे तो उनके लिए मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। तो हमारा ये तेल गरम हो रहा है यहाँ पे, मेरा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें डाल रही हूँ राई नहीं अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से डालते हैं ना तो एक अचार का सा टेस्ट आता है, इससे ना अचार ही भिंडी बन जाती है ये। और इसमें मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्ची, इस तरह से बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू और भिंडी की भिंडी की अचार ही सब्जी बन जाती है, अचार की तरह ये सब्जी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है भिंडी। इस तरह से आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना। इस तरह से यहाँ मैं टमाटर थोड़े से गला देती हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं मसाले भी साथ ही साथ ऐड करती चली जाऊँगी। इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची जितनी आपको चाहिए। बच्चों के लिए बना रही थी तो थोड़ी कम डालूंगी मिर्ची, और इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, पहले ही मैं ऐड कर देती हूँ इसमें गरम मसाला, और इसमें डालूंगी मैं साथ में थोड़ी सी सब्जी का मसाला होता है ना वो डालूंगी। इस तरह सब्जी बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार अचार ही भिंडी की तरह बिल्कुल अचार की तरह लगते ही है ना, अचार ही भिंडी बन जाती है बिल्कुल इस तरह से। और इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा ना नमक भी ऐड कर दूंगी जिससे कि टमाटर मेरे फटाफट से गल जाएं। तो ये इसको मैं नमक भी ऐड कर दूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है, तो यहाँ मेरे टमाटर भुन के तैयार हो गए हैं देखिए एकदम, और टमाटर ने
तेल छोड़ दिया और इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। मैंने बिल्कुल बहुत ही पतले पतले बारीक बारीक पतले पतले आलू काटे हैं, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए, तो इसको मैं आलू को इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये आलू ना बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो इसको मैं पहले 2 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आलू वो डाला है ना इसमें नमक, सॉरी हाँ नमक ही डाला है, तो इससे नमक से जल्दी से गल जाएंगे। इसको मैं थोड़ी देर इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ, इस तरह से ये गल जाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ढक दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर पानी डालूँगी, जिससे ये जल्दी से बन जाए और जले ना नीचे। कहते ना वो लगती नहीं है नीचे इस तरह से, तो चलिए बनती है फिर मिलती। तो ये मैं आलू को देखने के लिए आ गई हूँ। तो आलू देखिए यहाँ पे मैंने एक बार बीच में देख लिए थे चला के, तो यहाँ आलू सीझ गए हैं। तो यहाँ पे इसे ना भिंडी में डाल दूँगी, पहले मैं थोड़ी सी आलू की सब्जी वैसे ही निकाल देती हूँ, बच्चे खाएंगे तो। थोड़ी सी इसमें आलू की सब्जी निकालूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी ही निकालूँगी, बस निकालूँगी। और ये तो इसमें मैं भिंडी मिला दूंगी और सारी, इस तरह से ना अचारी भिंडी बनती है, आलू और भिंडी की अचारी सब्जी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से ये सब्जी बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है ये भिंडी। आप किसी के आगे कोई गेस्ट वगैरह आए ना, तो उसके आगे भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरह से। इस सब्जी को बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से सब्जी। और ये अभी 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। आप लोगों को वैसे पता है भिंडी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और आप लोग इसमें अगर प्याज और लहसुन वगैरह डालना चाहो ना, तो आराम से डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली है, तो आप लोग इसमें प्याज लहसुन आराम से डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरा तो ऐसा है, मैं तो खाती नहीं हूँ कम खा, तो इसलिए मैं नहीं डालती, हमें ऐसे ही टेस्ट आता है। लेकिन आप लोग जो लहसुन प्याज खाते हैं ना, उनको लहसुन प्याज से ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, सही बात है। तो आप लोग लहसुन प्याज इसमें आराम से डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब मेरे अभी 2-4 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, जिससे ये फटाफट से बन जाए। तो इतने मेरी वहाँ सब्जी मैंने ना गैस चेंज कर दी, छोटी गैस पे मैंने ये रख दी है कढ़ाई अपनी, जिसपे सब्जी बन जाए। इधर मैं खाना बनाने के लिए आ गई, यहाँ मैंने घी ताने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं इतने रोटी बना देती हूँ बच्चों, तो यहाँ पे आ गई थी मैं, यहाँ पे पराठे बना रही हूँ बच्चों को, सिंपल ही बनाऊंगी आज पराठे। आप लोग गर्मी में पराठे बना रही है, लेकिन भैया बच्चों की चॉइस अभी उन्हें पराठे खाने हैं, तो पराठे ही बनाऊंगी मैं उनको। तो भिंडी की सब्जी के साथ वैसे भी अच्छे लगते हैं पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं पराठे बना रही हूँ बच्चों को। क्योंकि आज तो इन दोनों को ही खाना है लंच में, मेरा फास्ट है और ये इनका भी फास्ट है। आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को ये फास्ट करते हैं, तो इनका भी फास्ट है मेरा फास्ट है, तो इन दोनों का ही है। तो मैं इनको पराठे ही बना लेती हूँ। इतने मेरी यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हुई है, इसमें मैं ये पराठे बना के रख लेती हूँ, बच्चे खाने बच्चे खा लेंगे फटाफट से। तो ये लेडीज किचन में यही सोचते हैं, एक काम इतना ये हो रहा है तो वो कर लेते हैं, जिससे कि काम फटाफट से ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, सारे दिन काम नाम ही काम रहता है, क्या करें, कभी कुछ लगा ही रहता है काम। तो आप लोग भी आइए गर्मा गर्म, आपके कैसे बना रही है। और ये वाले पराठे ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तिरछे अच्छे लगते हैं ये, इस तरह से मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल वाले। आप लोग भी आइए खाने के लिए गर्मा गर्म पराठे और सब्जी। मैं चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, पहले मैं लंच को तैयार कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपने पराठे बना लिए, तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। तो ये मेरी सब्जी बन गई है, भिंडी और आलू की अचारी सब्जी।
आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है इस तरह से सब्जी। तो उधर मैंने पराठे भी बना के तैयार कर लिए हैं, तो और यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करके देखना किस तरह से बनती है। और आप लोग इसमें लहसुन प्याज वगैरह डालना चाहते हैं तो आराम से इजीली डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं डाला तो आप लोग नहीं डाल सकते, आप लोग भी जरूर डाल सकते हो। तो यहाँ मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई एकदम। तो आप लोग भी आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ बच्चों को, तो आप लोग भी लंच कर लीजिए आपके। तो यहाँ पे मैं ऐसी प्लेट में रख रही हूँ क्योंकि गर्म है ना, इसलिए इसको प्लेट में रख रही हूँ। और माइंड ना करना, सूखी सब्जी है तो सूखी सब्जी को तो हम रख भी सकते हैं आराम से प्लेट में, कोई यूज नहीं है। देसी लोग हैं, देसी तरह से खाते हैं, हम तो इसी तरह से खाते हैं, सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, सिंपल तरीके से खाते हैं। तो आप लोग भी आइए भिंडी और आलू की अचारी सब्जी और पराठे गर्मा गर्म खाने के लिए। तो लंच कर लीजिए आप लोग भी। तो चलिए मैं दे आती हूँ लंच, फिर बाद में बात करें। तो आज ना मैंने यहाँ पे पानी के लिए छोटी सी मटकी मंगाई है क्योंकि पानी सर्द गर्मियों में अच्छा रहता है ना मटकी के लिए। और ये इस पे मैंने केले रख रखे वैसे ही, तो इसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी इसमें ना पानी भरूंगी, आज नहीं भरूंगी इसमें पानी, मैं कल भरूंगी, आज नहीं भरती तो इसमें मैं कल भरूंगी। इसी को अभी ऐसे ही रखे रखूंगी, इसमें मटकी पे ऊपर ये लगा के रख दिया, कोई बात नहीं कि ऐसी रखी थी मैंने, चलो सोचा चलो इसके ऊपर ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये छोटी सी मटकी मंगाई है मैंने, तो कैसी लग रही है आप लोग बताना जरूर। देखो रुक भी नहीं रही, इसको ना सेट कर देती हूँ मैं, है ना, सेट कर रखा था जब से, आराम से सेट हो गया, पड़ा तो पता नहीं किधर की तरफ झोल है इसका। तो इसको मैंने सेट कर दिया है। तो आप ये पानी के लिए मंगाई है मैंने, छोटी सी मंगाई, बहुत छोटी है, देखो इतनी सी मंगाई है, फिर भी बहुत महंगी आई है, 40-50 रुपये की आई है, जो कि पहले 20-25 रुपये मिलती थी, अब तो 40-50 रुपये में आ रही है मिट्टी की, देखो। तो चलिए आगे काम कर लेते हैं। अभी ना अपना शाम का काम कर लिया था, आपको दिखाया था शाम का काम कि कैसा हो रहा है मेरा शाम। शाम को बस मैंने झाड़ू वगैरह जो होती है ना शाम की क्लीनिंग वो कर लिए थे, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, बस बैठी थी
और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये बताना मुझे। तो आज एकादशी है, तो एकादशी निर्जला एकादशी, सबको मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की दोबारा से हार्दिक बधाई है। और किस किस ने व्रत किया ये बताना, मैंने तो आज व्रत किया है, आप लोग बताना किया है या नहीं किया। आज व्रत है मेरा तो, और बस अब मैं क्या बताऊँ, बनाऊँगी बस साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी और तो कुछ नहीं, यही बनाऊँगी, आलू बनाऊँगी, साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। और सारे मैंने अभी शाम की क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया है बस, और तो कुछ नहीं है, है ना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगे लगा आपको ये बताना मुझे, आप लोग कमेंट करके। और ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो भी कोई नया आए मेरी वीडियो को मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जो बेल आइकन की घंटी है ना उसको ज़रूर दबाए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जिससे फटाफट से, और आप लोग मेरी वीडियो को देख ले। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर वो करा करो, वॉच किया करो थोड़ा बहुत, तो भाई 5 मिनट की है तो 2 मिनट की तो वॉच किया करो और कमेंट किया करो मेरी वीडियो को। मैं अब आपको ना यहीं पे ही बाय करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी मेरी ये, फिर सुबह से चल रही है ना। तो आप बस मैंने आप लोग बताना किस तरह से किस कैसी बनी मेरी वीडियो। और मैंने सब्जी बनाई है ना, वो आलू और भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने खाई थी बता रहे थे अच्छी बनी। और पता है मुझे अब कोल्ड भी हो गया, एकदम अचानक से हो गया, पता नहीं क्यों, मैंने शायद पानी पी लिया था मैंने पसीने पे, तो इसलिए मुझे कोल्ड सा भी हो गया। तो बस इसलिए मैं अब आपको यहीं पर ही बाय करूँगी, मैं आपसे अब आपको अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक ले करती हूँ बाय।